अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है, जय हिंद का नारा है, सिर्फ जय भीम बना रहा है। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो। घोड़ी बैठने के लिए परेशान है भैया, हम घोड़ी पे बैठे। हीरो मतलब वो आदमी जिसने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया, अंबेडकर। उसकी जीवनी पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं रोने लगोगे। गांधी, भगत सिंह, जैसे हमारे देश के बड़े सारे राजनेता कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत परेशान किया है। कब ने किया है? हाँ तो कब किया है? किया है, अब हम लोग को नहीं बता है कब। अबे तो भैया हमको भी बता दो कब किया है। नहीं, ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है, कब नहीं सताया है? अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने कब सताया है। नहीं, वो दलित अगर वो पढ़ लेता था रामायण तो उसके कान में खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कब? नहीं वो सब छोड़ो, कब। अरे हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। हाँ क्या, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत बढ़िया। घोड़ी पे क्यों बैठने नहीं? अंबेडकर को मना कर पाए? मैं, मेरी बात सुनो, अंबेडकर को मना कर पाए? नहीं मगर पाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अंबेडकर की बात नहीं मानी आज वो परेशान है। अंबेडकर की कौन सी बात? अंबेडकर की वो बात, एक स्टेटमेंट में उस आदमी ने दलित मुक्ति का संविधान बताया, एक स्टेटमेंट, एक। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो? ये घोड़ी बैठने के लिए परेशान है भैया, हम घोड़ी पे बैठे। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। पता है क्या सिद्धांत था? एक लाइन में उस आदमी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। तुम घोड़ी पीछे भागे जा रहे थे। हाँ तो ये कौन दलित हैं जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया? भाई कोई, तुम मान लो घोड़ी पढ़ने जा रहे हो, मान लो मैं दलित हूं घोड़ी पढ़ने जा रहा हूं, और कोई चार ब्राह्मण आ गए और मैं लगा वेद मंत्र बोलने पानी उठा के, तो पंडित जी तो बैठो तो मारवाना था कहीं। नहीं, दोनों बेवकूफ नहीं हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए। पंडित जी अगर उसे घोड़ी बैठ जाने दें तो वो वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं। अंबेडकर ने एक लाइन में सूत्र दिया, एक लाइन में। अंबेडकर इतने महान आदमी है ना, अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज शिक्षक है, अभी मेरी एक शिक्षक से सुबह दोपहर में बात हो रही थी तो कहे कि मैं गया था डीएमओ, हमको भगा दिया। हमने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम हिमालय चले जाओ यार। एक शिक्षक बुद्ध है, आजाद शत्रु के दरबार में जा रहे हैं, आजाद शत्रु सिंहासन से नीचे उतर आ रहा है। ज्ञान शक्ति है, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान। अंबेडकर को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण की ताकत की मेन वजह क्या है, वो बात उस आदमी को समझ में आ गई थी, और उस ताकत की मेन वजह थी ज्ञान।
ज्ञान पर एकाधिकार। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनकी शक्ति का आधार है वो तुम ले लो, जब ज्ञान ही इनकी शक्ति है तो वो ज्ञान तुम भी ले लो, तुम भी ताकतवर बन जाओ। जैसे आज तुम चमड़े जूते की दुकान पे जाते हो, कितना इज्जत देते हो दुकानदार को, वही ली के शोरूम में जाते हो ना, नाइक एडिडास, क्यों? क्योंकि बढ़िया शोरूम है 5 करोड़ का, वहां लड़कियां काम कर रही हैं और लड़कियां तुम्हारे पैर में जूता पहनाती हैं, कहती सर आप एकदम सलमान खान की तरह लग रहा, बोले 2-4 जूता और दे दो। वही जो हमारे यहां का चर्मकार है, जूता बना रहा है, उसको तुम नीच भाव से देख रहे हो। बात तो बराबर ही है ना, तुम ली की जींस पहन रहे हो, वो कपड़ा है, ली के मालिक को तुम बड़ी इज्जत कर रहे हो, लेकिन हमारा जो जुल्हा है उसको तुम कह रहे हो नीच जाति का है। जाति व्यवस्था खराब नहीं थी, जाति व्यवस्था में जो उच्च नीच का भाव पैदा हो गया, ब्राह्मणों को एक भ्रम पैदा हो गया कि हम ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ हैं। नहीं, तुम ज्ञान के दान की वजह से श्रेष्ठ हो, समझो मेरी बात को। ब्राह्मण ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ नहीं है, तुम हमसे आए सीखे और IAS बन गए तभी तो इज्जत करोगे। मुझको बहुत पता है लेकिन मेरे ज्ञान से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम मेरी इज्जत क्यों करोगे? ब्राह्मण इस देश में क्यों फंस गया? ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा ज्ञान मेरी ताकत है। तुम्हारे ज्ञान के दान, ऐसे मुझसे क्या मतलब इस क्लास में कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण बैठा है कि दलित बैठा है कि मुसलमान बैठा है, मुझसे क्या लेना देना है? उससे क्या लेना देना है? तो ब्राह्मण को एक भाव पैदा हो गया कि हम उच्च कह हैं। अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठा देते थे तब भी वो बंदा पढ़ता था, क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का। अभी तुमको क्लास के बाहर बैठा दें, कल से आओगे ही नहीं। ये हम जो है शुक्ला हैं। इतनी ऐठन तो पहले ही भरे हो। उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाते थे, बाहर पढ़ता था वो आदमी, और जो लोग बाहर बैठाते थे उन्हीं के ऊपर सर पे बैठ के संविधान लिखा। इसको बोलते हैं बदला। अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। उस आदमी को कंपलसरी करना चाहिए हिंदुस्तान में। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है, तो जय हिंद का नारा है, ऐसे जय भीम बना रहा है। लेकिन मेरे लिए जय भीम का नारे का मतलब है दुस्साहस, डेयरनेस। मेरे लिए जय भीम मतलब ये नहीं कि मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है दुस्साहस, वो सोचना कि अगर किसी को बता दो तो बेहोश हो जाए।